नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फरुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के निर्देश दिया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिता अपने बीमार बेटे को ठेले पर रखकर जिला अस्पताल लोहिया पहुंचे थे। वहीं पीड़ित पिता का कहना है कि बेटे की तबीयत ज्यादा खराब थी। उन्होंने कई बार इसको लेकर कई घंटे 108 एम्बुलेंस पर फोन किया, पर किसी ने उनका फोन नहीं उठाया। अपने बीमार बेटे को एम्बुलेंस ना मिलने के कारण वे ठेले पर रखकर जिला अस्पताल पहुंचे थे। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के लगातार स्वास्थ्य विभाग की ठीक होने का बड़े बड़े बातें करते हैं, दावे करते हुए नजर आते हैं, लेकिन यह तस्वीर पोल खोल कर रख देती है। वही जिसके बाद से डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। श्रावस्ती में सपा के जिला मीडिया प्रभारी अमन पांडे ने पार्टी छोड़ दी है। दरअसल अमन पांडे ने वीडियो संदेश जारी कर सपा के प्राथमिक सदस्य के इस्तीफा दे दिया है। लगभग डेढ़ वर्ष पहले, बता दें कि डेढ़ वर्ष में वे कांग्रेस के छोड़कर सपा सदस्य लिया था उन्होंने, और जिसके बाद से उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के, बता दें कि रामचरितमानस और साथ ही ब्राह्मणों पर दिए गए बयान का गलत बताया था। इसको लेकर लगातार वे सुर्खियों में थे और अब उन्होंने ये पार्टी छोड़ दी है। प्रिय साथियों नमस्कार, मैं पंडित अमन पांडे एडवोकेट, निवर्तमान जिला मीडिया प्रभारी समाजवादी पार्टी श्रावस्ती। रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अमर्यादित टिप्पणी की, उसी दिन से मैं आहत हूं। मैंने राष्ट्रीय नेतृत्व को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं की। इससे साफ पता चलता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को संरक्षण आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। इसी तरीके से वो बार बार लगातार ब्राह्मणों पे और रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ पे, भगवान श्री राम पे, अयोध्या धाम पे अमर्यादित टिप्पणी करते चले आ रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी की छत समाज में सबसे ज्यादा खराब हो रही है। कासगंज पुलिस, और बता दें कि एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 12 घंटे में पूर्व तमंचे और साथी बल पर लूट का सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लूट के सामान के अलावा 2 बाइक, 2 तमंचा, 5 जिंदा कारतूस सहित बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि बीते दिन 15 फरवरी को ढोलना थाना क्षेत्र के गाँव बिसुआ निवासी तेज सिंह ने ढालना थाने में FIR दर्ज कराते हुए कहा था कि वे पत्नी के साथ रिश्तेदारी में जा रहे थे, तभी 2 बाइक पर सवार आए और 4 युवकों ने झाल के पुल पर तमंचे के बल पर पत्नी का बैग लूटकर फरार हो गए हैं। वहीं SP सौरभ दीक्षित ने तत्काल FIR दर्ज कराते हुए लुटेरों की तलाश के लिए 2 टीमों का गठन कर दिया था। इसके बाद से पुलिस और SOG की टीम ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। कल दिनांक 15/2/23 में थाना क्षेत्र ढोला में 2 अलग अलग स्थानों पर छिनती की घटना को लोगों ने अंजाम दिया था। इसमें एक तेज सिंह जो अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे रिश्तेदारी में उनके परिवार के साथ, और उसके अलावा एक भूपेंद्र सिंह जो अपनी भाभी और पत्नी के साथ रिश्तेदारी में जा रहे थे, इनके साथ 2 बाइक सवार पर 2-2 लोगों के द्वारा आकर के तमंचा दिखाकर उनके साथ लूट की घटना कारित की गई। पर्स, पैसे, कुछ जेवरात उनके द्वारा छीने गए। इस घटना के क्रम में दोनों घटनाओं पर मुकदमे पंजीकृत किए गए और हमारी थानाध्यक्ष प्रधान निरीक्षक ढोलना की टीम, उसके साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया और बहुत जल्दी ही घटना का अनावरण किया गया। श्रावस्ती के थाना सोनवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर पुलिस ने अपहरता युवती को, बता दें कि अपहरणता युवती को सकुशल बरामद कर लिया है। दरअसल जांच पड़ताल में राहुल यादव के बेटे किशोरी लाल यादव निवासी बरवा हरगुन थाना सोनवा से युवती को पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि आरोपी शादी के लिए बहला फुसला कर युवती को अपहरण किया था। वहीं आरोपी पर विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया गया है।
श्रावस्ती जिले में निःशुल्क मोटराइज आपको बता दें कि ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा मोटरसाइकिल बता दें कि ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया है। कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष साथ ही जिलाधिकारी नेहा प्रकाश समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं। सहारनपुर देवबंद क्षेत्र के राजकीय और अर्ध सरकारी इंटर कॉलेज में हजारों की संख्या में बच्चे परीक्षा देने पहुंचे थे। वहीं इस दौरान सीसीटीवी कैमरे में बच्चों पर निगरानी रखी गई है और साथ ही देवबंद के भारतीय इंटर कॉलेज समेत अन्य इंटर कॉलेजों में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर हिंदी हाई स्कूल का पेपर है प्रथम पाली, और इसमें जो है 350 बच्चे पंजीकृत हैं, जिसमें 19 बच्चे एब्सेंट हैं प्रथम पाली में हिंदी में। सचल दल के प्रभारी आदरणीय जे डी साहब, संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक, अभी एक घंटा पहले जो है वो निरीक्षण करके गए हैं। केंद्र को अच्छा सुचितापूर्ण बताया गया, बढ़िया चल रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाला क्षेत्र के गांव राजपुर कला में दो दिन पूर्व बता दें कि दोस्तों से लेन देन को लेकर एक दलित युवक की हत्या का मामले में पुलिस ने दो नाम दर्ज हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही बता दें कि 66 पुलिस क्षेत्र अधिकारी शकील अहमद ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि 14 फरवरी को रुपए के लेन देन को लेकर एक युवक संजू की हत्या और अन्य परिजनों पर तोड़फोड़ बता दें कि फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने पिता पुत्र को दबिश के दौरान गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त लाइसेंस बंदूक और खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। संगीन धाराओं में उसे जेल भेज दिया गया है। दिनांक 14/2/23 को थाना जानसठ के राजपुर कला गांव में एक व्यक्ति की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें तीन लोग घायल भी हुए थे। उसमें तीन लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आज जानसठ पुलिस द्वारा उनको जेल भेजा जा रहा है। उनके पास से एक लाइसेंसी बंदूक 12 बोर और 11 कारतूस 12 बोर के और एक देसी तमंचा और 4 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं, और अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है। बाकी विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई शहर में कोर्ट परिसर में एक बता दें कि काफी बड़ा पेड़ गिरने से अधिवक्ताओं के करीब 2 दर्जन से तख्त समेत न्यायिक मजिस्ट्रेट का चैम्बर क्षतिग्रस्त हो गया है। अधिवक्ताओं ने बताया है कि इससे करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अधिवक्ताओं ने प्रशासन से मदद करने की अपील की है और कहा है कि पेड़ गिरने समय कोई मौजूद नहीं था, इसलिए एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। फिलहाल किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई है, लेकिन अधिवक्ताओं के चैम्बर फर्नीचर और साथ ही 3 टूटने से उनके माथे पर शिकन जरूर देखने को मिल रही है। कोई जनहानि तो नहीं हुई। ये रड़वा का पेड़ है और ये करीब 30-35 साल पुराना पेड़ है, और ये इसके गिरने से काफ़ी नुकसान हुआ। ये JM फर्स्ट का जो कोर्ट है उसकी छत वगैरह गिर गई है, और 15-20 वकीलों के तखत हमारी वकालत से पहले का है, कम से कम 50-60 साल पुराना है, और ये पेड़ नीचे से खोखला हो गया था। यहाँ के जो लोकल प्रशासन है उन्होंने कुछ पर ध्यान दिया नहीं, जिसके कारण ये पेड़ गिरा हुआ। इसको पहले बताया जा चुका है कि ये पेड़ किसी समय गिर सकता है, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन है उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। मेरे ख्याल से अभी एक अधिवक्ता भाई बता रहे थे कि ये रड़का पेड़ है और ये रात में गिरा है, और ये कितना पुराना है ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे यहाँ मात्र अभी 17-18 साल हुए हैं, और कुछ लोग कहते हैं इसको यह केवल 30 वर्ष पुराना है और कुछ लोग कहते हैं 50 वर्ष, इसलिए मैं निश्चित समय नहीं बता सकती। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि ये रात में गिरा है, इसलिए जन की हानि नहीं हुई है।
हरदोई में कलेक्टर परिसर में सफाई कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल जिले के 600 सफाई कर्मचारियों का वेतन रोके जाने से नाराज होकर सफाई कर्मचारियों ने हाथ में कटोरे और झाड़ू लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है और जिलाधिकारी को संबोधित मजिस्ट्रेट को दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश पंचायत राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में कलेक्टर में सफाई कर्मचारियों ने यह अनोखा प्रदर्शन किया है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जनपद में लगभग 600 सफाई कर्मचारियों का वेतन जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा मनमानी, भेदभाव और जातिवाद करते हुए रोक रखा गया था, जिससे सफाई कर्मचारी काफी परेशान थे। वेतन नहीं दिया जा रहा था। कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अमित कुमार ने कहा है कि अभी तो फिलहाल प्रदर्शन किया जा रहा है, अगर वेतन नहीं दिया गया तो उसके बाद सफाई कर्मचारी विकास भवन के अधिकारियों के दफ्तर में घुसकर भीख मांगेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी ने लगभग 600 सफाई कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है, जिससे भुखमरी की कगार पे आ गए हैं। बच्चों की फीस भी नहीं जमा हो पा रही है और काफ़ी जो है कि दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है, जबकि हम लोग मेहनत और ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं। हम लोगों की उपस्थिति भी आई है जिले पर, और अगर जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय अगर होश में नहीं आते हैं और समय से अगर हम लोगों का इन 600 सफाई कर्मचारियों का वेतन का भुगतान नहीं कर रहे हैं तो जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय का घिराव किया जाएगा और विकास भवन के अंदर झाड़ू और कटोरा लेके भी घुसा जाएगा, उनके कार्यालय में भी जाया जाएगा और उनसे भीख भी मांगा जाएगा। अगर वो नहीं सुधरे तो आगे भी व्यवस्था की जाएगी और आगे धरना प्रदर्शन भी जारी रहेगा। और फरुखाबाद में ओम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट के ईडी की छापेमारी का मामला सामने आया है। दरअसल बता दें कि ओपीएचजी इंस्टीट्यूट कॉलेज में चेयरमैन शिवम गुप्ता नोएडा से कॉलेज पहुंचे और कॉलेज के अंदर ईडी के अधिकारियों ने शिवम गुप्ता को गेट से पूछताछ के लिए अंदर ले गए। वहीं आपको बता दें कि ईडी की छापेमारी 8 घंटे बाद ओपीएचजी इंस्टीट्यूट कॉलेज के चेयरमैन शिवम गुप्ता से पहुंचे थे। छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में ईडी की छापेमारी लगातार देखने को मिल रही है। वहीं ओम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल में ईडी ने 20 घंटे तक छापेमारी की है। वहां पर ईडी की टीम बड़ी संख्या में दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ लेके गई है। हरदोई के कानपुर देहात में सोमवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो जाने के बाद से मामले में गठित की गई बता दें कि एसआईटी टीम ने हरदोई पुलिस को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। गुरुवार को हरदोई आए पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था डॉक्टर संजय गुप्ता के पत्र में बताया गया है कि इन एसआईटी टीम में हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के अध्यक्ष में बनाया गया है। वहीं सदस्यों में विकास कुमार जायसवाल, सीओ बघौली, संजय कुमार पांडे, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सिटी, क्राइम ब्रांच के निरीक्षक रमेश चंद्र पांडे और महिला थाना अध्यक्ष राम सुखाड़ी शामिल हुए हैं। वहीं बता दें कि एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया है कि टीम के द्वारा मौके पर जाकर पूरे मामले की गहनता से विवेचना करने के बाद ही जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रदेश शासन को सौंपी जाएगी। कासगंज जनपद में महाशिवरात्रि पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत कासगंज पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के जनपद के थाना कासगंज और साथ ही थाना सोरो क्षेत्र बता दें कि क्षेत्रगत मुख्य बाजार में और साथ ही मिश्रित आबादी वाले स्थानों पर पैदल मार्च किया गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अराजकता फैलने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं बता दें कि सोशल मीडिया पर पुलिस सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। वहीं पुलिस लोगों को शांति बनाए रखने के लिए अपील करती हुई नजर आ रही है। मऊ में पिकअप और स्कॉर्पियो गाड़ी में भीषण टक्कर हो गई है। इस दौरान 2 की मौत हो गई है, वहीं लगभग 1.5 दर्जन लोग हादसे का शिकार हो गए हैं, घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल मऊ में लाया गया है। वहीं ये पूरा मामला दोहरी घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत का बताया जा रहा है। आज शाम 6 बजे के करीब दोहरी घाट में एक पिकअप में जो लोग किसी का दाह संस्कार करके 15 लोग करीब बैठे थे, स्कॉर्पियो से सीधी टक्कर हो गई है। कुल 19 लोग उसमें घायल हो गए थे, इसमें से 2 एम्बुलेंस से 4 लोग यहाँ आए हैं, इसमें से 2 लोग मृत हैं, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, इनका इलाज हो रहा है और उनको रेफर किया जा रहा है हायर सेंटर पर।
यूपी बोर्ड की परीक्षा उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। वहीं अब बात अगर अलीगढ़ जनपद की जाए तो वहां पर जिले में कुल 174 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 23 सेक्टर मैजिस्ट्रेट और साथ ही 174 स्टेट बता दें कि स्टैंडिंग मैजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जनपद के पूर्व रूप से नकल रोकने के लिए अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर रखी है। वहीं आज द्वितीय पाली के इंटरमीडिएट की पेपर और साथ ही बता दें कि पेपर खत्म होने के बाद से छात्रों के चेहरे पर एक अलग खुशी देखने को मिल रही है। इसे साफ जाहिर होता है कि आज का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। वहीं बातचीत करते हुए छात्रों ने जानकारी देते हुए बताया है कि आज हिंदी साहित्य का पेपर था जो बहुत ही अच्छा गया है। पेपर करने में हमें कोई भी असुविधा नहीं हुई है, कॉलेज की तरफ से पूरी सहयोग दिया गया है। पेपर बहुत अच्छा था आज की। कौन सब्जेक्ट का पेपर था? हिंदी साहित्य। पेपर देने में कोई कॉलेज में असुविधा तो नहीं रही? नो। कितना समय दिया गया आपको पेपर का सॉल्व करने के लिए? 3 घंटे 15 मिनट। आज बहुत अच्छा पेपर था। किस सब्जेक्ट का पेपर? हिंदी का पेपर। कॉलेज में पेपर देने में कोई असुविधा तो नहीं रही? नहीं नहीं नहीं। कितने बजे एग्जाम स्टार्ट हुआ था, कितना समय दिया गया आपको? 2-3.5 घंटे दिए थे। बस्ती में स्कॉर्पियो और कार की भीषण टक्कर का मामला सामने आया है, जिसमें कार में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और साथ ही बता दें कि अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जनपद सिद्धार्थ नगर में एक गरीब परिवार समय से अपनी बच्ची का फीस ना जमा करने के कारण बता दें कि प्रधानाध्यापक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं दिया गया है, जिससे छात्र परीक्षा से वंचित हो गए हैं। पूरा मामला सदर तहसील के बाल शिक्षा सदन इंटर नगर विद्यालय का है, जहां पर कक्षा 10 की छात्रा जिसका नाम एमन है और छात्रा पेपर देने चाहती थी, लेकिन प्रवेश पत्र ना मिलने के कारण ये परीक्षा से वंचित रह गई। आपको बताते चले कि कल से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चालू हो गई है। एक तरफ जहां सरकार परीक्षा को लेकर लाख कोशिश करती है, लेकिन सरकार की मंशाओं को जिम्मेदार पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। श्रावस्ती में बता दें कि सिरसिया पुलिस और क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर हत्या के एक आरोपी को मुठभेड़ में पुलिस ने दबोच लिया है। दो अन्य आरोपी अंधेर का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए हैं। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से देशी तमंचा, कारतूस, बाइक और नकदी बरामद कर ली गई है। 15 फरवरी 2023 को थाना सिरसिया अंतर्गत जमुनी कला गांव पड़ता है, जहां पे एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी। सुबह 9 बजे के लगभग जब वहां पुलिस टीम पहुंची तो उस बॉडी को कब्जे में लेकर उसमें आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई। इसमें तुरंत टीमों का गठन किया गया, जिसमें SOG टीम और थाना सिरसिया की टीम ने बहुत अच्छा काम करते हुए 24 घंटे के अंदर उस बॉडी की पहचान कर ली। ये जो मृतक था इसका नाम सुखराम था, सनौ भगन कोरी, जो कि सोनवा का हिस्ट्री शीटर नंबर 31, और इसके ऊपर 12 मुकदमे थे। जब इसकी पत्नी से बातचीत की गई तो उसकी निशानदेही पे जो और टीम्स थी उनका गठन किया गया। उसी के मद्देनज़र 17 तारीख की सुबह लगभग 2 से 3 के बीच में पुलिस पार्टी की चेकिंग लगाई गई थी सिरसिया में, जहां पे 3 संदिग्ध लोग आते हुए दिखाई दे और मुखबिर की सूचना पे ऐसा लग रहा था कि ये वही लोग हैं जिनकी पुलिस को तलाश है। हरदोई में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में चिकित्सक उपचार करते हुए नजर आए। दरअसल मेडिकल कॉलेज में जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड बिजली ना होने से अंधेरे में मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में चिकित्सक उपचार करने का और दवा लिखते हुए नजर आए हैं। श्रावस्ती में 14 वर्षीय किशोरी ने कमरे में बता दें कि फांसी लगाकर आत्महत्या की है। वहीं सुबह परिजनों ने दरवाजा ना खोलने पर परिजनों ने दरवाजा तोड़ दिया और इस दौरान देखा गया कि युवती ने फांसी लगा ली है, जिसके बाद से इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस वहां पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है और बता दें कि परिजनों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब हमने सुबह दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद से हमें दरवाजा तोड़ना पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि युवती ने फांसी लगा ली है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।